हे लोग, ऐसे होगा आ चुके हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ में, और आज हम खेलने वाले हैं फिर से पबजी मोबाइल। अब देखो यार, कल वीडियो नहीं आ पाई थी तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि कल वीडियो क्यों नहीं आ पाई थी। तो देखो यार, हमारा एक अलग व्लॉग चैनल भी है, तो हमको देखो कल का पूरा दिन ऐसे निकल गया, मतलब व्लॉग को शूट किया, उसके बाद एडिट किया, फिर अपलोडिंग, फिर थंबनेल और जो भी उसकी मतलब बहुत कुछ दिक्कत थी। तो हाँ, कल वीडियो नहीं आ पाई। कल यार सीरियसली मैं गेम ही नहीं खेल पाया तो वीडियो कहाँ से बनाता। तो देखो सीन ऐसा है कि वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस वाले गेम प्ले में, आज जो ये वाला जो गेम प्ले यार, इसमें बहुत मस्त गेम प्ले होना है। क्योंकि देखो इस गेम प्ले में आपको काफ़ी मस्त वाले अपने किल भी होने वाले और बहुत ही मस्त सा चिकन डिनर भी होने वाला है। तो यार देखो, इस बार आते हैं हम मिलिट्री बेस पे, क्योंकि देखो जोधपुर आके हम थक गए थे। मतलब जोधपुर देखते से देखा जाए तो डेस्टिनी बन गई थी हमारी, तो जोधपुर हम लोग कंटिन्यूसली जा ही रहते बार बार। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ और करते हैं और मिलिट्री बेस चलते हैं। तो यार जैसे ही मैं मिलिट्री की सी बिल्डिंग पर उतरता हूँ तो सामने ही मेरे एक स्क्वाड उतर जाती है, और यहाँ पर मेरे को मिलती है बैरल और M4। तो M4 से पहले तो एक बंदे को मैं डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो होता नहीं है, लेकिन दूसरी बार में वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। अब देखो सीन यहाँ पे ये है कि सामने वाली जो बिल्डिंग है उसमें अंदर भी बंदे, ऊपर एक बंदा नॉक किया जिसको मैंने फिनिश भी कर दिया, और ऊपर एक बंदा लेटा हुआ भी है अभी। और हाँ, उसमें मतलब पूरी आधी स्कोड और उसकी जो बची हुई है, उस स्कोड के आधे बंदे बचे हुए वो उस बिल्डिंग के अंदर है। तो यार यहाँ से मैं नीचे जो कूद जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि छोड़ो यार, ऊपर से रिस्क वाला मामला है तो लेते नहीं है। अभी यार मेरे से किसी बंदे ने बोला था कि यार जो तुम्हारी पुरानी स्किल्स थी वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो देखो यार गाइस, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ। तो यार देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एक महीने के बाद, पूरा एक महीने के बाद अगर आप गेम खेल रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो हाथ है वो सेट नहीं होगा गेम प्ले के ऊपर। तो सेम सीन विथ मी, मतलब मेरे साथ भी यही हो रहा था कि काफ़ी दिनों के बाद, मतलब हाँ ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मैं पबजी मोबाइल खेल रहा हूँ यार, तो हाँ हाथ बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ था। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे अभी 2-3 दिन में हाथ पूरे तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बंदे और आते हैं, जिनमें से एक बंदे को फिर नॉक करता हूँ, और ये बंदा मतलब अलग ही महापुरुष था, पता नहीं कहाँ से आया था, बोट था शायद, तो इसको भी नॉक डालते हैं। और यहाँ पे इस कोड को भी अपन काफ़ी मस्त से मारेंगे। अब देखो किसी ने मेरे को पीछे से डैमेज दिया, तो यहाँ पे मैं आपको एक और बार बताता हूँ कि देखो यार इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि जल्दी क्या मतलब 2-3 दिन तो लगेंगे क्योंकि यार काफ़ी दिनों के बाद खेल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि ये मैच भी आपको बहुत मस्त लगने वाला है, क्योंकि इसमें इस मैच में बहुत मस्त मस्त से किल भी होने वाले अपने, और हाँ स्प्रे विस्प्रे भी अच्छा खासा, मतलब अच्छा। आप देख के बताना मेरे को लास्ट में कि आपको गेम प्ले कैसा लगा, और यार गेम प्ले को बिना स्किप किए पूरा देखो करो यार, प्लीज़ यार। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे है जो मतलब वीडियो तो देखते हैं अपने, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यार, और बेल आइकन को भी ऑन नहीं कर रखा है। तो यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि यार अपने सब्सक्राइबर अपने अच्छे खासे हैं, लेकिन वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुँचती नहीं है। तो यार जो भी लोग है, जो भी धीरे धीरे करके भी ये वीडियो अगर कोई देख रहा है, तो यार बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप देखते ही नहीं हो इसलिए। तो हाँ सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो यार देखो ऊपर से मैं बंदे बंदों को निपटाता हूँ और नीचे आता हूँ। नीचे जो बंदा था ये अपने स्कोर को पूरा परेशान करके रख दिया था, तो हाँ पहले मैं ऊपर से नीचे कूदता हूँ और हाँ इसको फिनिश करता हूँ। अब देखो यहाँ तक अपने 5 किल अपने यहीं पे हो चुके थे, लेकिन अभी भी मिलिट्री बेस के अंदर बहुत सारे बंदे और है। तो देखो यार सीन ये है कि यहाँ पे बाहर से फायरिंग आ रही है, और मेरे पास हेल्थ वेल्थ थी नहीं, बैंडेड लपेट रहा था मैं पहले। तो यहाँ पे फिर से मेरे को 2-2 फुट साउंड आते हैं जो कि बाहर नहीं घूम रहे, ये बंदे थे बिल्डिंग के ऊपर। तो हाँ मेरे को पता चल जाता है कि ये बंदे बिल्डिंग के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं हेल्थ वेल्थ लगाता हूँ। और जो सामने सीमेंट्री है, सीमेंट्री की साइड पर बंदे हैं और छत पर भी बंदे हैं। तो अब देखो इन बंदों को अपन किसे मारते हैं। अगर बिल्डिंग के अंदर घूमते घूमते हम जैसे थोड़ा आगे आते हैं, और यहाँ पे 2 अलग अलग स्क्वाड आ जाती है, एक स्क्वाड गाड़ी से आती है और एक स्क्वाड पता नहीं कैसे पैदल पैदल यहीं पे घूम रही थी। तो इस स्क्वाड के इस बंदे को ये भागता हुआ रहता है, तो उसको तो मैं टोमी गन से मारता हूँ। तो यहाँ पे भी आपने देखा यार कि एम ही परफेक्ट नहीं आ रहा था उसके ऊपर। तो देखो इसका रीजन एक ही है, देखो यार मैं खेलता हूँ बहुत ही हाई सेंसिटिव, और अंदर यहाँ पे एक और बोट आ जाता है तो उसको भी निपटा देते पहले। तो देखो यार सीन ऐसा है कि यहाँ पे मैं खेलता हूँ बहुत ही हाई सेंसिटिव, और क्योंकि अभी हाथ सेट नहीं है ना, तो इसलिए सेंसी सेट नहीं हो रखी है। तो मैं आपसे यार की बात बोल रहा हूँ, अब ये बात मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा यार, एक ही इसी बात को मैं बार बार बोले जा रहा हूँ। तो हाँ सीधी बात, बस 2-3 दिन के अंदर अपना हाथ पूरी तरीके से, मेरे को यकीन है पूरी तरह कंट्रोल सेट हो जाएगी। तो हाँ उसके बाद अपन मस्त खेलेंगे। अब देखो इस वाले बंदे ने क्या ही डैमेज दिया मेरे को, मतलब यहाँ पे मैं जिगल करते करते उसको मार रहा था, लेकिन हाँ फिर भी उसने मेरे को डैमेज दे ही दिया, क्योंकि अपना एम परफेक्ट जा ही नहीं रहा था उसके ऊपर। और यहाँ पे एक बंदा और आया था, पता नहीं कैसे रेंगते रेंगते, वो भी नॉकआउट शायद अपनों ने ही किया था, लेकिन क्योंकि किल तो मिला नहीं अपनों को, तो हाँ वो नॉक अपना नहीं था, तो जैसे जैसे उसको भी मारते अपन। अब देखो यहाँ पे मेरी बचती है 1 HP, और मैं अपने टीम में जितने भी टीम मेट मेरे तीनों से मांगता हूँ हेल्थ वेल्थ, कोई दे देता है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी के भी पास हेल्थ नहीं है और मेरे पास भी हेल्थ नहीं है। अब देखो सामने से वो जो 2 बंदे वो फायरिंग कर रहे हैं, और
पीछे भी मेरे को कुछ आहट लगी, यहीं से ऐसा लगा कि एक बोट चलता हुआ जा रहा है। वैसे मेरे को साउंड वाउंड आया नहीं, लेकिन पता नहीं ऐसे लगा था मेरे को यहाँ से पीछे कुछ ना कुछ तो बंदा जा रहा है। फिर मेरे को पता चला वहाँ पे गया, लेकिन यहाँ से मैंने बैरल वैरल का स्प्रे दिया, लेकिन कुछ से हुआ नहीं, क्योंकि यार पता है आपको कि बैरल, अब देखो फिर से आए बोट जी मुंडी बाहर निकालते हुए और अपना 3x लगा हुआ था, तो हाँ निपटा दिए अपन उनको। अब देखो वो जो दो बंदे थे, वो बंदे पहले तो वहाँ दिखे थे, लेकिन वो आते हुए मेरे को दिख गए थे सीमेंट्री के अंदर। तो हाँ मैं मार्क वाक करता हूँ और मैं टीममेट को बताता हूँ कि भैया सीमेंट्री के अंदर आ चुके हैं बंदे, तो अब ज़्यादा दिक्कत, अब ज़्यादा टाइम वाइम लेना मत और अलग अलग रहना मत, क्योंकि अलग रहे तो सब पिलेंगे, HP अपने पास है नहीं। तो इस बंदे को यहाँ से पहले मैं एंगल ट्राई करता हूँ, अगर मिलता है तो यहीं से मारूंगा, लेकिन उधर से भी मिलता है तो फिर मैं इधर आता हूँ, और इधर आके जैसे तैसे मैं एक बंदे को तो नोक कर ही डालता हूँ। तो बीवी को मैं यहाँ से नोक करता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि मेरे को पता है कि एक बंदा मैंने नोक कर रखा है और वहाँ पे बचा है एक ही बंदा, और एक बंदा था इस बिल्डिंग के अंदर, तो ये तो चलते बिलते राही के चक्कर में, मतलब चलते हुए राही के चक्कर में मार दिया मैंने, हाँ के बहती गंगा में हाथ धोना इस हिसाब से आप कह सकते हो। तो देखो यार क्योंकि इन दो बंदों में से मैंने एक को नोक कर दिया था, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया था पहले कि अगर अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो ये बंदे दोनों आपस में रिवाइव हो जाएंगे, मतलब एक बंदा जो उसका बचा हुआ है वो उसको रिवाइव कर लेगा, और कोई फ़ायदा नहीं बनेगा यार, क्या मतलब इतना मेहनत करके अपनों ने नोक किया है ना, खून पसीना बहा कर अपनों ने जो उसको नोक किया है, तो वो मेहनत सारी पानी में आ जाएगी। तो जैसे तैसे मैं आगे आता हूँ, तो पहले तो मेरे को एक बोर्ड दिखाई देता है, इतने ये वाला बंदा अपने आर्या को नोक कर देता है, तो इसको भी अपन निपटाते हैं कैसे तैसे। और ये जो बोट अभी जो आ रहा था, इसको मैं देख रहा था, वो तो मैं उसको तो मैं भूल ही जाता हूँ। तो हाँ जो भी है, यहाँ पे अपना आई पर आजा नोक हो जाता है। अब देखो मिलिट्री बेस में ये जो सामने दिख रहे हैं मेरे को, इधर जो राइट में दिखेंगे टावर के नीचे, ये दोनों बोट ही है, लेकिन अब तो हमको यहाँ पे लगता है कि पूरी मिलिट्री बेस खाली हो चुकी है, मतलब मिलिट्री बेस के अंदर कोई भी नहीं, एक भी बंदा बचा नहीं है, तो यहाँ पे आराम से लूटते और निकलेंगे फिर। लेकिन तभी पहले तो मेरे को बोट वोट की फायरिंग आती है, तो हाँ इन बोट वोट से निपटते हैं। तो पहले बोट का तो फील आता नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही मारने जा रहा था उसको उतने, हाँ वो जैसे जैसे निपट ही लेता है। अब दूसरा बोट था, तो मैंने इसको जल्दबाजी में नोक किया, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं एक सेकंड में मिस हो जाऊँगा तो कोई ना कोई किल चुरा ही लेगा, और अपनों को ज़रूरत है यहाँ पे किल की। तो देखो सीन ऐसा है कि पहले हमको लगता है कि मिलिट्री बेस में कोई नहीं बचा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मिलिट्री बेस में बंदा है, ठीक है। जो सामने वाली जो सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, एक तो ये तो बोट है, इसको छोड़ो, सामने वाली जो सी बिल्डिंग दिख रही है इसके अंदर बंदे है, तो उसको हम अंदर जाके मारेंगे, और ये जो अपना हाइपर एसके आ रहा है इसको फिर से बोट ने मार दिया, क्योंकि उसकी HP थी नहीं, तो ये बोट ने एक गोली मारी और नोक कर दिया। तो देखो गाइस यार मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। फिर से बोट आया, इसको भी मार दिया हमने, देखो आपके सब्सक्राइब के लिए मारा है हमने इसको अभी, कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम मारेंगे, तो हमने मार दिया, अब आप सब्सक्राइब कर लो। तो ये होगी फालतू बात। अब देखो यार हाँ, अगर आप नए हो या फिर पुराने भी हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन दबा दो यार, क्योंकि बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट जितने भी सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे को पता है किसी ने भी बेल आइकन ऑन नहीं कर रखा है, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन किसी के पास जाती नहीं है, तो उस चक्कर में कोई देखता ही नहीं है वीडियो। लेकिन देखा करो यार, अच्छी वीडियो मेहनत लगती है बनाते, और अगर आपको कैसी लगती है वीडियो वो भी बताया करो यार, कैसी लगती है, क्या चाहिए, कौन सी नई वीडियो चाहिए, सब कुछ बताया करो। तो देखो सीन ऐसा है कि लास्ट बंदा जो मिलिट्री बेस के इस वाली बिल्डिंग में बचा है, इसको हम अंदर घुस के मारते हैं, पास से मारेंगे, अंदर घुस के बहुत प्यार से मारेंगे, प्रेम से मारेंगे, और इसको मारते ही सीधा निकलेंगे यहाँ से। तो देखो यार मिलिट्री बेस वाले बंदे को सबको मार देते हैं हम लोग, और आते हुए जब हम आ रहे थे रास्ते में तो एक और बोट मिलता है हमको, तो उसको भी हम निपटा देते, तो छोटा सा बोट था तो उसको दिखाना ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ पे हम उस ब्रिज पे भी रुकते हैं पहले, तो फिर वहाँ पे कुछ होता नहीं है, दिखता नहीं है, और फिर आते हैं हम इस ब्रिज के ऊपर। काफ़ी टाइम तो हम एक ही जगह रुक जाते हैं, तो बंदे बंदे मिलते नहीं है। फिर हम इधर आते हैं, और इस ब्रिज पे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे पहले तो हमको ब्रिज के ऊपर एक स्कॉट दिख जाती है, और फिर जब मैं बीच में आया तो यहाँ पे मेरे को एक नाव वाव दिखती है, बोट दिखती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ बोट से बंदे जा रहे होंगे या फिर वही पानी के अंदर तैर के जा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बोट फटी पड़ी होती है, तो या तो इन बंदों ने उस बोट को फोड़ा है या फिर बंदे निकल चुके हैं उधर से। तो जैसे जैसे यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर काफ़ी देर तक हम रुकते हैं, और पहले मेरे को लगता है कि वो बंदे स्मोक कर रखा है तो वो इधर से आएंगे, लेकिन वो इधर से नहीं आते, वो क्या करते हैं पानी में कूद जाते हैं। तो हमने भी काफ़ी टाइम तक यहाँ ब्रिज के ऊपर रुका, और फिर मैंने सोचा कि गाड़ी वाड़ी लेके, और क्योंकि वो भी ब्रिज के नीचे कूद चुके हैं, तो हम भी निकलते सीधे ब्रिज के यहाँ पे ब्रिज के नीचे और फिर मारेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं गलती क्या कर देता हूँ, पानी गाड़ी को मैं पानी के अंदर ही कूदा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे लिए तो बन गया बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज। लेकिन क्या पता नहीं इन बंदों को शायद पता ही नहीं चला होगा, लेकिन पता तो क्योंकि गाड़ी कूदा ही हमने तो पता तो चल गया होगा, लेकिन जैसे तैसे इन बंदों को पहले तो पता नहीं था। लेकिन हाँ मैं बचते बचते पानी के अंदर से जाता हूँ ब्रिज के नीचे, ये जो पिलर खड़े हुए इनके नीचे जाता हूँ कैसे भी कवर के अंदर, तो यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अभी तो उन बंदों को, ये दो बंदे, अभी तो एक ही बंदा कूदा और अभी एक बंदा इसका कूदने वाला है, तो इस टीम को पहले तो पता नहीं चलेगा कि मैं इनके पीछे रह गया हूँ, ठीक है। अब इस बंदे को पता चल गया, इसको थोड़ा सा शक हुआ मेरे ऊपर कि यार अपने पीछे कोई तो है यार, लेकिन हाँ ऐसा होता नहीं है, इनको पता नहीं चलता। पहले तो इनको ऐसे शक वक होता है, लेकिन वो फिर अपने हाल में मस्त मस्त हो जाते हैं। तो मैं यहीं पर रहता हूँ और मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि यार तुम या तो ऊपर से
नीचे कूद जाओ, क्योंकि तुम नीचे कूदोगे तो मैं पीछे से आके इनको हैंडल कर लूँगा, या फिर तुम एक काम करो फायरिंग करो, कुछ भी करो। तो ये बंदे उधर व्यस्त बिजी होते हैं, इतने में उधर से निकलता हूँ और दोनों को निपटा डालता हूँ। और ये उस वाले बंदे ने तो मेरे को ऑलमोस्ट निपटा ही दिया था वॉरियर ने। लेकिन कुछ भी जैसे भी हो, मैंने क्योंकि अपना एम सीधा हेड पे था तो इस बंदे को भी अपन नॉक कर देते। अब देखो टोटल बंदे हमें 3 और टोटल बंदे बचे 10 अलाइव, मतलब टोटल 7 बंदे अभी बचे और 7 तो बंदों को अपन ही मारेंगे। मतलब हाँ, 7 तो खेलो, अपने स्कोर 7 तो नहीं मत कहो, लेकिन हाँ सारे बंदों को अपन ही मारेंगे कैसे भी करके, और चिकन डिनर मस्त वाला निकालेंगे। तो बस देखते रहो यार, अभी तक यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर ही दो यार, और अच्छा सा कमेंट करो यार, और करो यार कुछ तो करो जिंदगी में। तो जैसे जैसे वहाँ से निकलते हैं और हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हमको एक बंदा और दिखाई देता है, जिसको डॉक्टर अपना जो रवि है हाइपर आर्या, ये मार देता है उसको। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो भी स्कोर फाइनल स्कोर फाइट कर रहे थे वो यहीं पे कर रही थी। तो यहाँ आते पहले तो मैं एक स्कोर को निपटाता हूँ, और एक और स्कोर बची है जिसके एक बंदे को मैंने ऑलरेडी नॉक कर रखा है, मतलब कुल मिला के बचा लास्ट बंदा है। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि गाड़ी लेके मैं जाऊँ और मैं मार दूँ, लेकिन मैं जाता तो हूँ लेकिन वो मैं नहीं मार पाता हूँ, अपना आर्या मार देता है। तो यार गाइस जो भी था, इट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए यही था वीडियो के लिए। और हाँ, आई होप कि ये वाला गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा यार। अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो या फिर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कैसा भी लगाओ वीडियो को यार आपकी सबसे रिस्पॉन्स दे देना, लाइक करना हो लाइक करो, डिसलाइक करना हो डिसलाइक करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए आपको, क्या कौन सी नई वीडियो देखना पसंद है, क्योंकि आप जो भी बोलोगे उस गेम की हम वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा मैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को शेयर करो अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं हो तो मत करो, लेकिन करो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए करो। और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।